आपका फिर से वेलकम है स्टडी कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सौरभ सैनी। जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की टायर टू के लिए झंझोर तैयारी में लगे हैं, जिनका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव का है, तो इससे पहले मैं अपना मेक इन इंडिया पर निबंध ऐसे डाल चुका हूँ, आज मैं डीमोनेटाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण पर किस अगर ऐसे लिखने को आ जाता है तो कैसे लिखना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने जो फॉर्मेट है ये ब्लॉक्स के अंदर जो मैंने लिखे हैं, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट आता है सीजीएल डिस्क्रिप्टिव के लिए। आप देखना वर्टिकल में 4 ब्लॉक्स है और हॉरिजॉन्टल में लगभग 17-16 ब्लॉक्स हैं, तो इन ब्लॉक्स में लिखने पड़ते हैं हमें। तो आप जब भी तैयारी करें, घर पर प्रैक्टिस करें, तो आप इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ऑन डीमोनेटाइजेशन, तो विमुद्रीकरण क्या है, नरेंद्र मोदी द्वारा जो विमुद्रीकरण किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो आखिर सब उसके इफेक्ट क्या थे, है क्या एडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज, क्या है कारण, क्या है और आखिरी में कंक्लूजन क्या है, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विमुद्रीकरण क्या है। जब भारत सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे ही विमुद्रीकरण कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा इंट्रो है इसके बारे में। जो हमारी पुरानी संपत्ति जो पुरानी मुद्रा थी 500 और 1000 के, उनको कानूनी तौर पर बंद कर देती है जो पुरानी करेंसी होती है पुरानी मुद्रा, और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि नोट बैन नहीं हुए हैं, आर नोट बीइंग बैन्ड। देखिए अगर मान लो नोट, सबसे पहले तो बच्चे कंफ्यूजन है कि बैन हुए हैं, बैन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। बैन अगर भारत सरकार नोट को बैन करती, जैसे 500 और 1000 के बंद किए थे, अगर 500 के बैन होता तो फिर वो वापस मार्केट में कभी आता ही नहीं। बैन तो मतलब हो गया कि जड़ से ही ख़त्म हो जाना। देखो नोट को डिसकंटिन्यू किया गया है, अब 500 के 1000 के बंद करें तो उसके बदले 500 का नया आया है और 1000 के बदले 2000 का नया है, तो नोट को डिसकंटिन्यू किया गया, बैन नहीं किया गया। अगर बैन करते 500 और 1000 का, तो 500 का नोट मतलब दोबारा कभी आता ही नहीं। तो इस पर गौर देना कि बैन नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यू हुए थे, ठीक है। आगे देखिए इसमें जो रेड कलर से लाइन लिखी हुई है ये इफेक्टिव लाइन है। आप इफेक्टिव लाइन्स जरूर मेंशन करें हर ऐसे के अंदर, क्योंकि पढ़ने वाला जब आपका ऐसे पढ़ेगा तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए आपके ऐसे के अंदर, निबंध के अंदर आप जिस भी टॉपिक पर लिखेंगे, तो इफेक्टिव लाइन्स बड़ा प्ले रोल करती है। जैसे मैंने लिखा अब इसमें मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान। देखिए भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, काला धन जो भी है, ये महामारी है हमारे भारत देश की। तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान, तो इफेक्टिव लाइन्स जरूर डालें, मेंशन करें, इसे हमारे ऐसे पर 4 चांद लग जाते हैं। आगे भारत में अभी तक 3 बार पूर्ण रूप से विमुद्रीकरण हुआ है। हाँ इस पर गौर देना है कि अब तक केवल 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है भारत में, 2 बार आज़ाद भारत में और 1 बार गुलाम भारत में। हमारा एक बार 1946 में और एक बार 1978 में और एक बार सन 2016 में जो लास्ट ईयर हुआ था 8 नवंबर को, तो 3 बार हुए हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कब हुआ। तो सर्वप्रथम 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया, ठीक है। इसके बाद सन 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए। हाल ही में 8 नवंबर 2016 को 8:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 500, 1000 का विमुद्रीकरण कर दिया है,
तथा सरकार ने इसके बदले में 500 और 2000 के नोट जारी किए हैं। ये वही बात आई कि सरकार ने नोटों को बैन नहीं किया है, बस डिसकंटिन्यू किया। अगर बैन होता तो 500 जो बंद किया था जिसका विमुद्रीकरण किया है वो वापस दोबारा 500 का मार्केट में नहीं आता, ठीक है। तो अब तक बस इतना याद रखना है कि तीन बार हो चुका है, 1946, 1978 और 2011, 2016, 8 नवंबर को रात के 8:15, ठीक है। अब चलते हैं कारण पर कि कारण क्या है, ठीक है। अब कारण क्या है, कारण में काला धन, लोगों के पास जो काला धन है उसके कारण क्या है, भ्रष्टाचार, महामारी है, ये सब नकली नोट्स, ये भी महामारी है हमारे भारत देश की, और जमाखोरी आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु। अब हम मान के चलते हैं कि एक्स नाम का कोई बंदा है जिसके पास अपार संपत्ति है, मतलब काला धन 10 करोड़ से या 100 करोड़ काला धन मान के चलते हैं, 100 करोड़ किसी एक्स बंदे के पास, तो बहुत खुश होगा। लेकिन जैसे ही सरकार ने नोटबंदी की तो उसकी खुशी गम में बदल जाएगी। वो अब कैसे, मान लो किसी एक्स नाम के व्यक्ति के पास 100 करोड़ काला धन है, ब्लैक मनी है, वो अपनी मुद्रा को, जो पैसा है वो बड़े नोट्स में रखेगा। जैसे भारत सरकार में बड़े नोट्स क्या थे, भारत में 500 और 1000 के बड़े नोट्स थे। लेकिन तो ध्यान देना कि जिसको काला धन है तो बड़े नोट्स में अपनी काले धन को रखेगा, जैसे 500 और 1000 के बड़े नोट्स थे, वह छोटे नोट्स में रखेगा नहीं, 5 के, 10 के, 50 के और 100 के में। क्योंकि अगर 100 के नोट्स फॉर्मेशन में अगर रखेगा अपने ब्लैक मनी को तो उसको बहुत ज़्यादा नोट्स रखने पड़ेंगे, घर में जाकर स्पेस चाहिएगा, तो 500 और 1000 में रखते थे। अब मोदी ने क्या किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, 500 और 1000 के ही बंद कर दिए गए, ठीक है। तो अब वो जो बहुत खुश था जिसके पास 100 करोड़ रुपये काला धन था 500 और 1000 में, तो बैंक तो जाएगा नहीं क्योंकि बैंक से हम एक्सचेंज कर सकते थे, अब बैंक जा नहीं सकता क्योंकि बैंक में फिर पैसा दिखाना पड़ेगा कहाँ से आया है, तो ब्लैक मनी फिर वो भारी रह जाती है, ठीक है। इसके बाद भ्रष्टाचार, ये भी है, नकली नोट और जमाखोरी आतंकी। अब देखो वो नक्सलवाद, आतंकवादी गतिविधियों की भी रीढ़ टूट गई थी। अब आगे अब बात करते हैं विमुद्रीकरण के प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। विमुद्रीकरण से किसी भी राष्ट्र पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि केवल नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं पड़ते, उसके साथ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विमुद्रीकरण से लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, लेकिन देश हित के लिए आवश्यक कदम था। ये इम्पोर्टेंट है कि दिक्कत के सामने करने पड़ेंगे, दिक्कतें आएगी, काफ़ी आएगी, लेकिन आवश्यक कदम था, जैसे लाइनों में लगना, काम ठप हो जाना, पर देश के लिए आवश्यक था। जैसे अब इफेक्टिव लाइन, भारत में होगी जन जन को असुविधा, देश हित के सामने ना हो व्यक्तिगत सुविधा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्टिव लाइन से, प्रारंभ में होगी जन जन को असुविधा, क्योंकि अब लाइन में लगना पड़ेगा, दिक्कत से होगी धूप में, अब देश हित के सामने ना हो व्यक्तिगत सुविधा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पड़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की, सकारात्मक प्रभाव, चुनाव में पारदर्शिता, ये इम्पोर्टेंट है। जब 8 नवंबर को नोटबंदी की गई तो उसके 3 या 4 महीने बाद फरवरी मार्च में इलेक्शन होने थे 5 राज्यों में, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। तो आपको पता है कि काला धन ज़्यादा खर्च के इसमें किया जाता है चुनावों के अंदर, एमएलए एमपीस बांटते हैं, एमएलए बांटेंगे विधानसभा चुनाव में। तो अब
नोट किस में बांटते थे? 500 और 1000 के। अब उनके पास छोटे नोट्स आ गए 100 के हुए, 50 के, वो तो बांट नहीं सकते। तो मतलब चुनाव में भी पारदर्शिता आएगी। ठीक है, आगे सेकंड, काले धन पर करारा जवाब। काले धन का ये इम्पोर्टेंट है, जिनके पास काले धन। अभी बताया था मैंने एक्स बंदी का एग्जांपल लेकर कि 100 करोड़ रुपए संपत्ति है ब्लैक मनी, तो बैंक जाएगा नहीं नोटबंदी होने के बाद। ठीक, नकली नोटों की समाप्ति। देखिए जाली नोट्स भी, जो फेक नोट्स थे उनका ये अच्छा धंधा चल रहा था, तो अब नकली नोट छपेंगे नहीं। जो नकली नोट थे वो मार्केट में ले जाएंगे, क्योंकि बैंक नकली नोट जा नहीं सकते जो मार्केट में थे। अब बैंक में डिपॉजिट करने जाएगा नकली नोट, तो बैंक को पता है, ये बैंक पता लग जाता है कि नकली नोट है, मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो नकली नोट्स जो फेक नोट्स थे वो मार्केट में ले जाएंगे और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे, उन्हें जलाने पड़ेंगे। देख, आपने देखा होगा कि बहुत से नोट थे जो नदी में बहा दिए गए, गंगा में, यमुना में, इन सब में। ठीक, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गतिविधियों पर भी चोट है। ठीक है, आगे टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी। देखिए टैक्स कलेक्शन में, अब मोदी ने कहा था कि आपके पास काला धन है तो आप इनकम टैक्स में बताएं कि इतना ब्लैक मनी है, इसके बदले में आप टैक्स टू जितना बनता है आप दे दो और उसको वाइट मनी कर लो, तो टैक्स कलेक्शन होगा। अभी सरकार की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि हुई नोटबंदी के कारण भारत सरकार को कितना फ़ायदा हुआ है, 5 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है नोटबंदी के बाद। ठीक, तो कैश, नेक्स्ट कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार सबसे ज़्यादा कैशलेस भारत में अगर हुई है तो नोटबंदी के बाद की गई है। देखिए अब करेंसी नहीं थी ना, 500 की थी, जल्दी से बैंक से मिल रहा था। अब हमारे पास थे 100-100 रुपये के नोट्स, या मतलब लोअर नोट्स तो होते 100 के, 50 के, या 20 के, 10 के। तो अब अगर सामान खरीदना है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं। कैशलेस व्यवस्था मतलब पॉकेट में सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो, स्वाइप करें, बहुत से तरीके स्वाइप करें, ऑनलाइन पेमेंट कर दें, कैसे भी आप जैसे करना चाहते हैं। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि। ठीक, अब आगे नकारात्मक प्रभाव। विमुद्रीकरण के दौर में देश में टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ता है, पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी थोड़ी सी मतलब है तो सही दिक्कत, लेकिन इतना नहीं है नोट, मतलब देश की व्यक्तिगत असुविधा के सामने कुछ नहीं है। जैसे मान लो कोई बाहर का आदमी आया घूमने, कोई विदेशी आया, तो उसके पास तो नहीं है ना करेंसी छोटी नोट्स में, बड़े नोट्स उसके पास, अब उसको दिक्कत आ गई है और वो कहाँ जाए। तो पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब तक नोटबंदी का इफेक्ट कम नहीं हो जाता। धीरे धीरे 3-4 महीने लगे थे, जनवरी फरवरी तक जाकर थोड़ा सा शांति मिली थी लोगों को। आगे अर्थव्यवस्था में कुछ समय की सुस्ती के कारण GDP पर प्रभाव पड़ता है। GDP पर प्रभाव तो पड़ता ही है साहब। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP 6.1 रही है तिमाही में, जनवरी मार्च 2017 में, जो हमारा तिमाही है जनवरी टू मार्च 2017 में, भारत की GDP 6.1% रही है, जबकि लास्ट ईयर तिमाही में जनवरी मार्च 2016 में भारत की उस तिमाही की जो GDP थी वो 7.1% थी, डायरेक्ट 1% गिर गई है भारत की GDP। और चीन की तिमाही इस तिमाही में 2017 की तिमाही में 6.9 थी। नोटबंदी का कारण था कि भारत की GDP 1% गिर गई। आगे किसी उत्सव अथवा वैवाहिक कार्यक्रम में प्रबंधन में दिक्कत आती है, जैसे अब शादी, आपने देखा होगा शादी विवाह में कार्यक्रम में दिक्कत आई, हलवाई को पैसे देना है, टेंट वाले को पैसे देना है, मैरिज हॉल वाले को पैसे देना है, तो कैश पैसा था ही नहीं। फिर सरकार ने बाद में पता है आपको कि आप कार्ड लाओ तो आपको 2 लाख मिल जाएंगे, 2.5 लाख मिल जाएंगे शादी का। तो वैवाहिक कार्यक्रम में या उत्सव में
भारी दिक्कत आई थी। नेक्स्ट, परेशानी का सामना करना पड़ा था, वही मैंने आपको बताया है। और नोटबंदी के दौरान लोगों को अधिकांश समय लाइनों में व्यतीत हुआ। देखो, अब नोट बदलने थे तो लाइनों में लगना पड़ा, आपने भी देखा होगा, आप भी लगे होंगे लाइन में, और कई तो लाइन में ही मृत्यु हो गई थी कई लोगों की, ये भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव था। लगभग 10 से 15 लोग ज़्यादा ही होंगे शायद जिनकी मृत्यु हो गई थी लाइन में। अब लाइन में लगना था तो काम ठप था। ठीक, आगे भ्रष्टाचार रोकने का निकला उपाय, फिर फैक्ट्री में डालने, भ्रष्टाचार रोकने का निकला उपाय, बाहर निकलेगी अघोषित आय, आतंकी गतिविधियों पर लगेगी रोक, सरकार ने बंद किए 500,000 के नोट। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष पर। हर ऐसे में चार चीज़ होती है, इंट्रो हमने देख लिया है, कारण क्या था वो भी हमने देखा है, इफेक्टिव प्रभाव क्या होंगे वो भी हमने देखे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देख लिए। अब निष्कर्ष, विमुद्रीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक फायदा ही लेकर आता है, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र पर नहीं पड़ता है, साथ ही साथ यह राष्ट्र को आर्थिक भी प्रदान करता है। ठीक है, अतः स्पष्टता, प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया कदम ये सराहनीय है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय है। नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्लाइम भी कहा था, इफेक्टिव से वो भी, विमुद्रीकरण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। थैंक यू सो मच, ये था डिमोनेटाइजेशन पर। ऐसे कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए ऐसे तो मेंशन कर देना कमेंट्स के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसी टॉपिक पर बनाए जाएँ जो आप चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन का, इससे पहले मैंने मेक इन इंडिया डाला था, अब आने वाले टाइम में स्टैंड अप इंडिया, जनधन योजना और भी बहुत टॉपिक हैं जो मैं डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। पर हाँ, जैसे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा हाउ टू राइट द ऐसे कि लिखना कैसे है, इफेक्टिव लाइंस कैसे डालने हैं, और इसके बाद कि पैराग्राफ 1-to-1 लिंक होना चाहिए एक दूसरे से, कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे, हाउ टू राइट द ऐसे या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फॉर दी। थैंक यू सो मच।